पंडित पे मैं हूं प्रभास मिश्रा। आज आ गया मैं फिर से एक नया वीडियो लेके। तो आज तो आप लोग काफी खुश होंगे क्योंकि सारे बताए हुए हमारे स्टॉक्स काफी मोमेंटम दिखाते हुए। और आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज उन्होंने पेड जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे पेड क्लाइंट्स हैं, उनको उन्होंने कॉल दी थी पिरामिल एंटरप्राइजेस की। देखिए अभिमत जी को हमने कॉल दी थी पिरामिल एंटरप्राइजेस। 1760 का टारगेट रखा था हमने, एग्जिट प्राइस रखा था, और 1830 का हमने रखा था क्या इसका टारगेट प्राइस। और देखिएगा मोमेंटम 1855 1860 का इसने क्या हाई बनाया है आज। सेकंड उन्होंने टाटा स्टील की कॉल दी थी, 400 रुपए का एग्जिट प्राइस रखा था और 415 का रखा था हम लोगों ने आपका टारगेट प्राइस। और देखिएगा 419 दे हाई मोमेंटम इसने भी दिखाया है। तो दोनों स्टॉक हमारे फिर हुए। फिर उसके बाद उन्होंने आशीष जी को, ये हमारे पेड क्लाइंट्स है, पेड क्लाइंट्स है, तो उन्होंने क्या करा है, उनको उन्होंने जिंदल स्टील की उन्होंने कॉल दी थी। तो जिंदल स्टील में देखिएगा आपको दिखा था 150 का, यानी कि 150 का हमने टारगेट दिया था और 140 का हम लोग दे दिया था एग्जिट प्राइस। तो ये हमारी आज की कॉल्स थी सारी, और सारी अच्छी मोमेंटम हमारे रिसीव हुए। आप लोग हमारे से जुड़ सकते हैं, और अगर आप लोगों को हमारे जैसे मुफ्त में इंट्राडे की कॉल चाहिए तो जो भी वीडियो में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें डीमैट अकाउंट खुलवाइए और फ्री में इंट्राडे की कॉल ले जाइए, या फिर आप कोई भी एक स्टॉक फ्री में ले जाइए। तो हमें ईमेल करिए जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। तो आज करते हैं बात पर्टिकुलर यस बैंक की। तो यस बैंक में हम लोग पर्टिकुलर बात करेंगे कि यस बैंक में देखिएगा, कल बताया था हमने कि आपको एक लेवल मिलेगा, अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल गई है, और स्टॉक ने 62.50 का शायद ब्लू बनाया है। तो देखिएगा अभी भी 62 का लेवल नहीं टूटा है। क्या हुआ है, 62 का लेवल नहीं टूटा है, और स्टॉक ने फिर से मोमेंटम आगे अच्छा दे दिया है, क्लोजिंग अच्छी हुई है, ठीक ठाक हुई है। तो पहली एक न्यूज आई है, पहले उस न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो पहली न्यूज क्या है, पहली न्यूज में आपको देखिएगा रवनीत, जो आरबीआई ने एक पर्टिकुलर यस बैंक को एक रिव्यू री एग्जामिनेशन करने को कहा है, जो लेंडर की ऑडिट कमेटी के जो चीफ हैं, यानी कि उत्तम प्रकाश अग्रवाल, उन पे क्या कराया गया, जो उनका स्टेटस है उनको री एग्जामिन करने को कहा गया है, जो कि हमारे लेंडर चीफ कमेटी के, यानी कि कहते हैं लेंडर कमेटी के क्या चीफ है, उनको क्या कराया गया है, एक पर्टिकुलर क्या था उनका, उनके जो स्टेटस है उसको री एग्जामिन करने को आरबीआई ने यस बैंक से कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि आपको पता होगा नवंबर 2018 में क्या हुआ था कि विसल ब्लोअर एक फर्म ने क्या करा था, एक एलिगेशन लगाया था, एक पेटिशन डाला था किसके ऊपर, आपका अग्रवाल जी पर, कि उनके दस्तावेज या फिर उनका जो स्टेटस है, उनका जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये मामला है, और उसके बाद ही इन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लेंडर्स कमेटी का बना दिया गया था, और इसी पर क्या दिया है आरबीआई ने एक बार फिर से इशू को री एग्जामिन करने को कहा है, जो पैनल है यस बैंक से कहा है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये पहली बात थी। सेकंड चीज बात कर लेंगे, रवनीत गिल ने आज एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि उन्होंने कहा था कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर को फिर से अपना जो ट्रस्ट है बैंकिंग सेक्टर का, वो फिर से रीगेन करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया है रवनीत गिल जी का। इसके अलावा अगर हम लोग डिलीवरी की बात करेंगे तो 18% की डिलीवरी आई हुई है, और आपको देखने को मिल रहा होगा कि लेवल्स नहीं टूटा, उसके बाद ही करेक्शन, मतलब करेक्शन होने के बाद फिर से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम दिखाया। तो अब आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, जितने भी लोग डाउन पे उठा रहे हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ये याद रखना है कि 62 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो आपको एग्जिट करना है, और फिर देखना है कितनी गिरावट आएगी, और अगर ये स्टॉक फिर से मूवमेंट दिखाने लगता है तो आने वाले समय में ये आपको अच्छे मोमेंटम भी दिखाएगा। तो ये पर्टिकुलर न्यूज थी, अगर आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।